अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मैं हूँ आपका मेज़बान शाहरुख खान। नाज़रीन, कश्मीर बॉलीवुड के लिए हमेशा एक अट्रैक्शन रह चुकी है। इस सिलसिले में आज रवि कांत जी, जिन्होंने एक सॉन्ग यहाँ पे शूट किया, इनसे बात करें। सर, आपका खैर मकदम कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। धन्यवाद। कैसा एक्सपीरियंस रहा कश्मीर में, आपने शूट किया, सॉन्ग शूट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। कश्मीर हमेशा से फेमस रहा है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, कि और वो चीज़ यहाँ पर फील भी हुई, खूबसूरत लोकेशन के साथ खूबसूरत लोग, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को। जो आपने सॉन्ग शूट किया यहाँ पे, इसका जो एक्टर है शायद कश्मीरी है, हाँ। उसके साथ आपको काम करके कैसे लगा? आयान खान इज़ फ्रॉम द कश्मीर एंड इज़ नो डाउट इज़ वेरी गुड एक्टर, और जो हम लोग शूट कर रहे थे, सो ही इज़ वेरी सपोर्टिव। वो चीज़ों को समझते थे बहुत अच्छे से, और स्टोरी में उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पकड़ कर चीज़ें होती थी। एंड ये है कि कश्मीर में टैलेंट बहुत है, और आयान के साथ काम करके लगा कि हाँ, सच में इट फील्स गुड कि हाँ, मैं एक अच्छे टीम के साथ, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। रवि जी, आपने कहा मुझे 14 साल हो गया बॉलीवुड में, लेकिन आपको इतना टाइम क्यों लगा कश्मीर में आने के, शूट करने के लिए? देखिए, टाइम ऐसा है कि बिकॉज मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था एज एन असिस्टेंट, और मैं पिछले 5-6 साल से इंडिपेंडेंट एज अ डायरेक्टर कर रहा हूँ फॉर द म्यूज़िक वीडियोज एंड एड फिल्म्स। होता क्या है कि कई बार क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी प्रोड्यूसर्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि नई स्टोरी हम लोग यहाँ शूट करते हैं, वहाँ शूट करते हैं। सो आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग कि चलो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि हम लोग कश्मीर में शूट करें। एंड सडनली गॉट दिस कि ओके, आयन का कॉल आया था मेरे पास और गाना सुना, एंड उसने कहा सर हमको कश्मीर में शूट करना है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ की अब कश्मीर में शूट करेंगे। एक सिनेरियो बना था कश्मीर के लिए, कश्मीर जो टूरिस्टिंग के लिए सेफ प्लेस नहीं लगा, क्या आपको कुछ ऐसा लगा यहाँ पे? मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, मुझे बहुत होमली फील हुआ है यहाँ पर, और मुझे ऐसा कोई माहौल नहीं दिखा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि कश्मीर में सेफ नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ सेफेस्ट प्लेस फॉर द एवरीवन। तो मुझे तो, मैं हमेशा, मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखी है, एक बहुत अच्छा माहौल दिखा है। आई नेवर फील एनी नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम हियर। कश्मीर के साथ आपने काम किया, टैलेंट कितना लगा, कश्मीरी कितने टैलेंटेड हैं? दे आर डैम टैलेंटेड। कि कहते हैं कि आप यदि पैशन की बात करें, तो एक कही बात कही जाती है कि यू डोंट चूज़ योर पैशन चूजेज यू। और टैलेंट दुनिया में आप देखोगे तो हर जगह है, और कश्मीर में भी काफ़ी लोग मैंने देखे, मैं काफ़ी लोगों से मिला यहाँ पर, दे आर डैम टैलेंटेड। और मैं मैं प्रे करता हूँ उनसे, उन मतलब मैं खुदा से प्रे करूँगा कि उन लोग को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो लोग बहुत आगे ग्रो करें। रवि जी, हम बात करेंगे कश्मीर का, आपने देखा है कश्मीर का जो टैलेंट भी आपने देखा है, लेकिन जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है आर्टिस्ट लोगों के लिए, आपको लगा वो सफिशेंट है यहाँ? देखिए, नो डाउट यहाँ पर शायद उतना प्लेटफॉर्म नहीं है। आज यदि हम आर्ट की बात करते हैं, स्पेशली फिल्म्स एंड ऑल, तो बॉलीवुड सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, सबका, हर किसी का फोकस रहता है मुंबई। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द जयपुर राजस्थान, तो मेरे लिए भी टारगेट मुंबई ही था, बिकॉज वहाँ पर भी हमको उतना शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जितना बॉम्बे में मिलता है। सो यदि आप बॉलीवुड की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली टारगेट आपका बॉम्बे रहता है। बट हाँ, ये है कि यदि यहाँ का जो आर्टिस्ट है, यहाँ के आर्टिस्ट यूथ है, यदि वो मिलकर खुद से कुछ चीज़ें करते हैं, तो वो अपना प्लेटफॉर्म खुद खड़ा कर सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, सो हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। सो आपका यदि टैलेंट है, सो आप कहीं से भी बैठ के अपने टैलेंट को बाहर ला सकते हैं। क्या आपको लग रहा है जो स्विट्ज़रलैंड में जो शूटिंग्स होती है, वो कश्मीर डिफर होनी चाहिए कश्मीर की खूबसूरती को देखकर? मुझे लगता है कि कश्मीर इज़ फार बेटर देन द स्विट्ज़रलैंड। यदि आप स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग क्यों स्विट्ज़रलैंड और कश्मीर को उतना कंपेयर करते हैं, क्योंकि कश्मीर को तो शुरू से जन्नत ही कहा गया, और जन्नत है। रवि जी, आपकी क्या मैसेज होगी जो बाहर से लोग हैं, जो कश्मीर आने से डरते हैं, उनके लिए आपकी मैसेज क्या होगी? देखिए, मैं यही कहूँगा कि डरने की कोई चीज़ ही नहीं है, हमारे देश है, हमारे घर है ये, और यहाँ के लोग भी हमारा परिवार ही हैं। तो आराम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आती यहाँ पर, मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार, मैं कैसे भी करके साल में एक बार तो कश्मीर आ ही जाऊँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे रवि कांत जी, जो हमसे बात कर रहे थे, बॉलीवुड डायरेक्टर हैं, कश्मीर आए हैं, सॉन्ग शूट इन्होंने किया है। देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो विद कैमरा पर्सन सज्जाद अहमद बादशाह।